ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिख लिया, डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, लिखना शुरू करो। लिखो, इट इज एन एंगल, एंगल मेड बाय रोटेटिंग टर्मिनल रे फ्रॉम इनिशियल रे। ठीक, क्या ये टर्मिनल रे, क्या ये इनिशियल रे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि इनिशियल रे लेट्स से इधर है यहां पर, ठीक है, इस तरह से इनिशियल रे ले लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसको रोटेट कराया। कैसे रोटेट करा दिया इसको, यहां से इसको मैंने ऐसे रोटेट करा दिया तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। और इसको मैंने यहां पर क्या बोल दिया, इसको तुम टर्मिनल रे बोल सकते हो, टर्मिनल रे बोल दिया ऐसे। ठीक है, तो जो ये एंगल यहाँ पर बना रहा है थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्टेड एंगल। ओके, इनिशियल रे था, मतलब रे पहले था तो उसको हमने क्या बोल दिया, इनिशियल रे बोल दिया। उसके बाद में जहां पर आके वो टर्मिनेट हो गया, उसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनेट रे बोल दिया। ठीक है, तुम इसको ओ बोल सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट ले सकते हो, ए ले सकते हो, यहाँ पर ए क्या ले सकते हो, बी ले सकते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ओ बी, ओ ए क्या है, तो वो एक इनिशियल रे है, ओ बी क्या है, एक टर्मिनल रे है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में तुम कैसे करोगे, जैसे इस तरह से लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पर वाई ले लिया, तो तुम क्या करोगे, हमेशा इनिशियल रे, ठीक है, इस चीज को याद करो, हमेशा इनिशियल रे यहाँ पर ही आएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही हमेशा इनिशियल रे आ जाएगा, इस चीज को याद कर लो। ठीक है, इसका मतलब इसको मैंने क्या लिख दिया, आई आर लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, हमेशा इनिशियल रे के इधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आएगा। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, इसको तुम रोटेट कराओगे। अच्छा, रोटेट तुम कैसे भी करा सकते हो, रोटेट तुम क्लॉकवाइज भी करा सकते हो, रोटेट तुम एंटी क्लॉकवाइज भी करा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रोटेट करा दिया तो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पर रोटेट कराया होता तो यहाँ से अगर रोटेट करा दिया तो इसको क्या बोल दिया मैंने, क्लॉकवाइज बोल दिया। बस इतना यहाँ पर याद रखना है कि जो इनिशियल रे है वो कहाँ होगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही होगा। और ये जो ओ लिखा है यहाँ पर, देखो इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो ओ लिखा है वो यहाँ जाके क्या करेगा, इस ओरिजिन पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जाके उस ओरिजिन पे जाके मिल जाएगा, फिर उससे तुम घुमाते रहो। ठीक है, इसका मतलब हमेशा एंगल तुम्हें कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक चीज और नोट यहाँ पर ये करना है कि अगर तुमने यहाँ पर क्लॉकवाइज लिया है एंगल, तो क्लॉकवाइज हमेशा तुम नेगेटिव लोगे, इस चीज को याद कर लो। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एंगल लोगे। ठीक है, सबके लिए वैलिड है, चाहे फिर ये मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या किया, चलो लिख लिया नोट में, यहाँ पर क्या हो गया, नोट वन। ठीक है, नोट वन सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लिया, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही हमें मेजर करना है, नेगेटिव हम लोग कभी मेजर नहीं करेंगे और ना ही वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यहाँ से ही हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या लिख लिया, इफ एंगल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देन टेक इट एज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रोटेट करा दिया, देखो डायग्राम में देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पर रोटेट करा दिया तो समझो यहाँ पर ये 30 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 30 डिग्री लिखूंगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से कि ये पूरा एंगल यहाँ पर क्या बना रहा है, 150 डिग्री बना रहा है, पर मैं इसको 150 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं इसको क्या बोलूंगा, -150 डिग्री बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या लिख लिया, वही सेम, इफ एंगल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरह से, देन टेक इट एज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया क्या कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को हमने याद कर लिया, हमेशा एंगल कैसे मेजर किया जाता है। ओके, फाइन, तो ये चीज हो गया, अब आगे चलते हैं इसमें।
नेक्स्ट हमने यहां पर क्या लिख लिया, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लिखते जाओ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब इसमें हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, जैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसका मतलब ये है कि हम लोग किस सिस्टम से इसको मेजर करेंगे। जैसे एक तो हमें पता ही है डिग्री, ये तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, ठीक है। अब डिग्री के अलावा हमें हमें और बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे मेजरमेंट, जैसे मेजरमेंट करते हैं एंगल के लिए, तो सिस्टम तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे तुम ये बताओ वेट को कैसे मेजर करते हो, किलोग्राम से भी मेजर करते हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग यूनिट भी होते हैं, ठीक है, पाउंड्स हो जाते हैं, इस तरह से भी तुम मेजर करते हो। तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल्स के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं इसको मेजर करने का, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मेजरमेंट करने के एंगल को, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है और हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर तो हमें ऑलरेडी पता है, इसको फिर भी लिख लेते हैं। डिग्री मेजर बोल सकते हैं उसको, या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, ठीक है। हेक्सा डेसिमल सिस्टम लिख लियो या मेजर लिख लो, बात एक ही है। ये सब नाम नहीं भी याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एस सच इतना IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, अगर बोर्ड वोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि 11th के बोर्ड में आ जाए, ठीक है। तो डिग्री मेजर हो गया, हेक्साडेसिमल मेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिग्री मेजर में एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। क्या किया, एक सर्कल बना दिया ऐसे, और सर्कल को हमने क्या किया, इसको हमने काटना शुरू किया। जैसे यहाँ पर काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया, ऐसे काटते काटते क्या किया, सर्कल को 360 पार्ट में काट दिया इसको, ठीक है। और 360 पार्ट काटने के बाद जो एक पार्ट बचेगा, जैसे यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, अगर 360 पार्ट में काट दिया तो एक पार्ट तो ऐसे हो जाएगा, कुछ स्लाइस टाइप का हो गया, पिज्जा के स्लाइस जैसा, ठीक है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो इस जो यहाँ पर ये जो बन रहा है एक पार्ट, जितना एंगल ये बना रहा है, इसको हम लोग कैसे बोल देते हैं, 1 डिग्री। मतलब एक पार्ट में जितना एंगल बन रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, 1 डिग्री। तो सीधी सी बात है, 360 पार्ट में काटा है तो सारे एंगल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिग्री मेजर को बनाया गया है, ओके। तो क्या किया, चलो इसको लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इफ अ कंप्लीट सर्कल इज कट इंटू 360 parts, then angle made by one part is called 1 degree. ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, 1 और उसके पावर पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे इस तरह से कुछ O आ जाएगा, ठीक है, 1 degree। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, 1 डिग्री, फिर से रिपीट कर दिया। क्या किया, इसको एक सर्कल लिया, उसको 360 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 360 स्लाइसेस आ गए, और एक स्लाइस में जितना एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो तुम कभी जाओ तो तुम बोल सकते हो कि मुझे 45 डिग्री का स्लाइस चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम भी मांग सकते हो, ठीक है, जोक्स अपार्ट, इट्स कॉल्ड 1 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो यहाँ पर, ठीक है, इफ 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री मतलब इस तरह से इज डिवाइडेड, ठीक है, 1 डिग्री को भी हम लोग और डिवाइड कर रहे हैं, इज डिवाइडेड इनटू 60, देन इट इज कॉल्ड 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। और 1 मिनट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से एक डैश आ जाता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसमें ऐसे लिखा है कि 1 डिग्री को अगर तुम 60 पार्ट में और डिवाइड कर दोगे, मतलब 1/68 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 मिनट हो गया। या तुम इसको और कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री 60 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 60 मिनट हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सबको लिखते जाओ अच्छे से, ठीक है, 1/68 डिग्री इज 1 मिनट, या 1 डिग्री इज 60 मिनट, ओके। फिर हमने क्या किया, मिनट को और डिवाइड कर दिया, हमने बोल दिया इफ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट को ऐसे बनाते हैं, इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट लिखना चाहिए, देन इज कॉल्ड 1।
तुम खुद बताओ 60 को अगर मैं 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकंड ही तो बोलेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और 1 सेकंड को हम लोग कैसे बनाते हैं, 1 डबल डैश, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर और क्या लिख दिया, 1/60th मिनट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेकंड बोलेंगे, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो, तुम 60 को ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ये तो हमें पता ही है, ओके। अच्छा अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 1 डिग्री बताओ कितना हो गया, ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। फिर तुम इसको क्या कर सकते हो, अगर 60 मिनट को और डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट कितना होगा, 60 × 60 हो जाएगा। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये कितना हो जाएगा, 3600 आ जाएगा, डिग्री हो गया, दैट इज 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री, ठीक है। क्या किया, इन सबको लिख लिया और अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। इसको तुम याद कैसे कर रखोगे, तुम इस तरह से सोच सकते हो कि 1 डिग्री इज बेसिकली 1 आर जैसा हो रहा है, क्योंकि एक आर का ही 60th पार्ट कितना होता है, 1 मिनट होता है, पर एग्जैक्टली इसको हम आर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तो वैसे तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे तुम इसको याद रखो, ठीक है, कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आर, फिर तुम इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है। और याद रखना है कि 1 डिग्री का सिम्बॉल कैसे है, ठीक है, 1 पे एक पावर आ गया यहाँ पर ओ, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ईजी है सब, ओके फाइन। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम देखो इसको, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, क्वेश्चन ऐसे ले लिया, कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया, 33.4891 डिग्री, इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, मिनट में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है 33 पॉइंट, ये तो 33 तो ऑलरेडी क्या है, एक डिग्री दिख रहा है तुम्हें, एक एब्सोल्यूट डिग्री दिख रहा है, तो 33 को तुम्हें मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट्स के बाद जो लिखा है तुम इसको कन्वर्ट करोगे, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिख लिया, जैसे ये क्या लिख सकते हो, ये 33 डिग्री है ये, प्लस तुम क्या करो इसको 0.4891 डिग्री, इसको इस तरह से कर दिया, 33 डिग्री को छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट डिग्री एक अच्छा वैल्यू दिख रहा है मुझे, तो इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। कन्वर्ट तुम उसको करोगे जो तुम्हें यहाँ पर फ्रैक्शन में दिख रहा है, राइट, जैसे 0.4891, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 33 डिग्री है, और अगर मुझे यहाँ पर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो हमने क्या किया इसको 0.4891 को हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये मिनट बन गया, ओके। और यहाँ पर हम लोग कैसे लिख लेते हैं, इधर एक कॉमा ऐसे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ये क्या लिखा है, ऐसे कॉमा इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, लिखो, मैं तुम्हें समझाऊंगा ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको कैलकुलेट करो, तो इसको चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 33 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 29.346, ये क्या हो गया, मिनट आ गया, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो तुम, ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लिया है, ओके। अब तुम इसको यहाँ पर क्या करोगे, फिर से वही प्रोसेस करोगे, क्या करोगे, 33 डिग्री तो ऑलरेडी है, 29 को तोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 29 मिनट, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.346, ये भी क्या है, मिनट ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है 29 मिनट, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, तो तुमने क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिया, बाकी ये जो लिखा है जो डेसिमल में दिख रहा है तुम्हें, इसको तुमने क्या किया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, मुझे पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको इसको ऐसे लिख लो, 33 डिग्री, 29 मिनट हो गया, इसको तुम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20.76 सेकेंड्स हो गया, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर सेकेंड्स आ चुका है, तो सेकेंड तो बहुत कम होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, सेकेंड को राउंड ऑफ कर सकते हो, जैसे 20.76 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 33 डिग्री, 29 मिनट्स, और इसको क्या लिख लिया, 21 सेकेंड्स, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस तरह से तुमने कभी कहीं देखा है, इस तरह से लिखा हुआ,
इस तरह से तुमने देखा होगा ज्योग्राफी में, जहाँ हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स लिखते हैं, वो एग्जैक्टली यही चीज़ है। यही तुम्हारा जीपीएस लोकेशन होता है जो ट्रेस करता है कि तुम कहाँ हो, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जीपीएस पोजीशन ट्रेस की जाती है, जैसे लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का एक अलग आ जाएगा, लैटिट्यूड के लिए एक अलग आ जाएगा। जैसे इस तरह से, जैसे एक ये अर्थ है, ठीक है, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया इसमें लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है ऐसे लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया इस स्पेसिफिक की पोजीशन कुछ ये है, ठीक है, फिर तुम्हें बता दिया कि इस लैटिट्यूड की पोजीशन कुछ ये है, फिर बोल दिया कि इसको तुम मैच कैसे कराओगे। इसको तुम ऑब्वियसली मैच इस तरह से करा दोगे, देखो यहाँ पर ये मैचिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी लोकेशन हो गई, इस तरह से यहाँ पर लोकेशन देखी जाती है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ज्योग्राफी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मैथ से लेना देना है, ठीक है।